कांग्रेस ने खनिज मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर राजनीतिक दबाव और प्रताड़ना देने का आरोप लगाया है। पुलिस पैसा प्रशासन पद प्रतिष्ठा और प्रलोभन के आधार पर दबाव बनाया जा रहा है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। पिछले दिनों माननीय कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई प्रशासनिक अत्याचार प्रतिरोध समिति के अध्यक्ष के नाते, जिसमें मैं और आदरणीय जेपी भाई भी सदस्य हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आपसे चर्चा करते हुए भारतीय जनता पार्टी और सरकार द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, बदले की भावना से कार्यवाही की जा रही है, यही नहीं उन्हें जेलों में फर्जी केसों में फंसाकर सीवरेज का पानी तक पिलाया जा रहा है, उस अत्याचार से आपका ध्यान उन्होंने आकर्षित किया था। आज उसके ही समकक्ष या उससे बड़ा मामला मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा साहब और शिवराज सिंह जी की सरकार में काबिज खनिज मंत्री माननीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी ने भरत मिलन पांडे जी को पुलिस पैसा प्रशासन पद प्रतिष्ठा और प्रलोभन, इन कई पी को साथ लेकर इन पर मानसिक, आर्थिक और राजनीतिक अत्याचार किए हैं। पन्ना जिले में एकमात्र निर्वाचित जनपद अध्यक्ष माननीय भरत मिलन पांडे जी थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के भाई को हराया था और उसके पहले के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की जमानत तक जब्त कराई है, और ये एकमात्र इकलौते कद्दावर नेता वहाँ पर हैं जिन्होंने जनपद इलेक्शन का चुनाव जीता था। उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया जाकर भाजपा में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, कहा जा रहा है इतना पैसा ले लो, जितना अवैध उत्खनन करना करो, आपको कोई मनाही नहीं होगी, मगर कांग्रेस पार्टी छोड़ दो। मगर विचारधारा को समर्पित आदरणीय पांडे जी ने उस समझौते से जब इनकार कर दिया तो इन्हें आर्थिक, राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके जीवन यापन हेतु एक डंपर चल रहा है जिसका नंबर वगैरह डिटेल मैं आपको राइटअप दे रहा हूँ, उसमें है, समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका, और वो डंपर घटारी में एक सरकारी सड़क बन रही है, उसके कॉन्ट्रैक्टर को किराए पर एक कंपनी के माध्यम से, डायरेक्ट इन्होंने नहीं दिया है, एक कंपनी के माध्यम से वो डंपर उस सड़क बनाने वाले ठेकेदार के वहाँ अटैच है। उस आदेश को कमिश्नर ने यथावत रखा कि इन्हें सही निकाला गया है। जब आप हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने एक पारित आदेश में कलेक्टर और संभायोग तो दोनों के आदेश को डिस्पोजल ऑफ किया, यह कहते हुए कि इन्होंने जांच में कोई भी विभागीय जांच नहीं की है, एक तरफा इन्हें पद से विमुक्त किया गया है, उन्हें चार्ज लेने के लिए कहा गया। आज तक वीडी शर्मा साहब और ब्रजेंद्र सिंह खनिज मंत्री जी के दबाव में इन्हें चार्ज नहीं लेने दिया जा रहा है। कल ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पांडे जी ने जबलपुर में लगाया है और वो एक्सेप्ट हो गई है और 19/5 उसकी तारीख लगी हुई है, उसमें इन्हें जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सारा डिटेल आपको राइटअप में है, समय आया नहीं करूँगा क्योंकि हमारे और कार्यक्रम है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को झूठे प्रकरण, प्रलोभन, पद प्रतिष्ठा का दबाव, आर्थिक कमर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, दबाव और धौंस देकर या प्रलोभन देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है, और नहीं कर रहे हैं तो उन्हें पद से हटाकर उनकी आर्थिक कमर तोड़ते हुए परिवार के खिलाफ, आपके भाई, भतीजे, बेटे, 5 लोगों पर एक प्रकरण और दर्ज कर दिया, पूरे परिवार पर, जितने जेंट्स हैं उनके खिलाफ, तो ये सरकार चल रहा है या मजाक? कुल मिलाकर एक अराजकता का माहौल पैदा करके आगामी चुनावों में कांग्रेस कार्यकर्ता भयभीत हों, उनका मनोबल टूटे, उसलिए सरकार, मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, भाजपा अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं, और हमें आशंका है कि 1-2 दिन में इसका रिजल्ट कुछ और भी आ सकता है कि हमारे लोगों को किस तरह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा रहे हैं, ऐसी हमारे पास एक इनपुट है। तो
पांडे जी उसकी प्रतिमूर्ति हैं, जिन्होंने विचारधारा से समझौता नहीं किया और आज भी ये भुगत रहे हैं। और कोर्ट का आदेश भी सत्ता के दंभ में ये लोग नहीं मान रहे हैं। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप सच की आवाज़, जो हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी बार बार कहते हैं कि आप मेरा साथ मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी का साथ मत दीजिए, सच रॉ मटेरियल चाहिए ही, तो वह डंपर गिट्टी लालाकर उस सरकारी सड़क के निर्माण में देता था। बाकायदे ETP रॉयल्टी उसकी चुकाई जा रही है, जिसका नंबर मैंने आपको दे रहा हूँ। 15 फरवरी 2022 को आप उसकी पोर्टल पर देख सकते हैं माइंस विभाग की, कि उस ट्रक की ETP जमा है। आज भी देख सकते हैं, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ETP जारी होने के बावजूद भी उस ट्रक को जिसमें गिट्टी थी, वो गिट्टी आज तक पता नहीं चल रही कि कहाँ गई, उसमें मिट्टी भरवा दी, मिट्टी, और मिट्टी भरवा कर उस रेत का काम तो हमने मुख्यमंत्री जी को सौंप रखा, इतने बड़े नेता ये नहीं है, रेत ये नहीं करेंगे। तो उस गिट्टी को उतरवा कर, आज तक गिट्टी का पता नहीं कहाँ गई, मिट्टी उसमें डलवा दी, और वहाँ के पन्ना कलेक्टर ने 42,21,000 रुपये का अर्थदंड आरोपित कर दिया। और गिट्टी आज तक कहाँ है उसका पता नहीं है। इसलिए कि पांडे जी की आर्थिक कमर को तोड़ दिया जाए, इसके पूर्व पांडे जी ने जनप्रतिनिधि होने के नाते वहाँ जो अवैध उत्खनन हो रहा था एक कंपनी के द्वारा, रश्मीत सिंह मल्होत्रा कंपनी है, 7/7/2020 को क्षेत्र की जनता के अनुरोध पर FIR करवाई थी। SP कलेक्टर को लिखित में आवेदन किया था कि यहाँ से यह ठेकेदार अवैध उत्खनन करवा रहे हैं। बावजूद उसके, उस ठेकेदार पर एक्शन नहीं हुआ। पांडे जी के खिलाफ 7 को इन्होंने शिकायत की और 21 तारीख को थाना अजयगढ़ में विभिन्न अपराध की धारा में क्रमांक 376/20 प्रकरण क्रमांक के, मेरे डिटेल इसमें है, इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करा दिया। और उस प्रकरण के आधार पर कलेक्टर पन्ना ने इनके विरुद्ध धारा 40 का एक प्रकरण दर्ज करते हुए इन्हें प्रशासकीय समिति के जो प्रधान थे उस पद से भी मुक्त कर दिया। यहाँ तक भी ठीक है, कलेक्टर को अधिकार है धारा 40 का इस्तेमाल करने का। उसके अगेंस्ट आपने सागर में अपील की कमिश्नर को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।